एक तरफ पंजाब सरकार और समूचा पुलिस विभाग पंजाब को नशा मुक्त करने के दावे कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ बटाला पुलिस अधिकार क्षेत्र में आते कस्बा घणिये के बांगर के पास के गांव तलवंडी भरत की एक लड़की मनप्रीत कौर, जिसने अपने 26 साल भाई का नशा छुड़वाने का बीड़ा उठाया पर बार बार पुलिस से गुहार लगाने पर भी वे पुलिस जो नशे के खिलाफ जागरूक कैंप लगाती है और तरह तरह के दावे करती है अपनी नींद से नहीं जागी, सब तरफ से हार जाने के बाद लड़की ने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के सामने बात आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की के भाई को गिरफ्तार कर उसको नशा छुड़ाओ केंद्र भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी। मनप्रीत कौर का कहना है कि उसके माता पिता नहीं है और उसका एक ही भाई है जो नशे की दलदल में फंस गया है और उसने घर का सारा कीमती सामान और अपने हिस्से की जमीन भी बेच दी है। उधर मीडिया को हवेली में नशेड़ी भाई अपनी बहन से बहसबाजी करते हुए यह सुनाई दिया कि खुद नशे की लत से दुखी है पर वह नशा नहीं छोड़ सकता। इस सारे मामले में डीएसपी फतेहगढ़ चूड़ियां बलबीर सिंह ने बताया कि तलवंडी भरत का नौजवान राजवीर सिंह जो नशे का आदी है और उसकी बहन उसका नशा छुड़ाना चाहती है, इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके भाई को नशा छुड़ाओ केंद्र में भर्ती करा दिया है। बटाला से हरविंदर सिंह की रिपोर्ट। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ 3 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਣਾ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾ ਲੈਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬਸਕੀਅਤ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਹੋ मैं इतों तक सोचा भी मैं मर जा कुछ खा के मैं इन्ना ना नशा कांड भी मैं मौत मिल जाए मैं मौत भी नहीं मिलती जो हिस्सा लै गई तो तू लोगों के चुल्हे बहना कागज कागज बखा दे फिर ताडा काम नहीं साडा अपना काम है ये साडा काम है सब सब मैं पिछले सालों तो बार बार बहुत ज्यादा रिपोर्टा दे चुकी हूँ पुलिस नहीं आउंदी बार बार मेरे को भी इन्नी दूरों नहीं आया जाता इन्हों कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस कहते नशा बंद करांगे असी ओ करांगे सानू कंप्लेन दो सानू जगह दसो अं फड़ांगे या करांगे मैं अपने भरा ने सारे सबूत दिते ने नशा पीण वाला सारा समान विखाया पर फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हुण प्रेस वाले आए ने मेरे नाल फिर उन्होंने आण के कोई कार्रवाई की है नहीं तो उन्होंने चेर कोई कार्रवाई नहीं करते बस फेरा मार के आ जाते कहते भज गया कोई गल पर नशा बंद होना चाहिए है जे मेरा भरा सुधर गया तो मैं समझांगी कि नशा बंद हो गया घर ना उच्चन नशा बंद कर दो एक तलवंडी भरत पिंड पैंदा जी साडे पुलिस स्टेशन घणिए की बांगर उत्थे कल लड़का राजवीर सिंह नौजवान लड़का विआया सीगा ते उहदी वाइफ जिहड़ी उहनूं डिस्प्यूट सी ते छड के चली गई ते ध्यान च आए SHO साहब दे इह लड़का जिहड़ा नशे करदा ठीक है जी ते उस टाइम ते SHO साहब साडे अमोलक सिंह जिहड़े आ तलवंडी भरत पिंड गए ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4:30-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19-6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 17 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵੀ 12,000 ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼, ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़, देश का अपना हिंदी न्यूज़ चैनल।